नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क से और मैं हूं जगदीश सिंह अजीत। आज हिंदुस्तान की बढ़ती डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा J&K भी पीछे नहीं है, जहां पे नए नए स्टोर्स फ्रेंचाइजीज बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। इसी सभी इन सब सिस्टम को चलाने के लिए हमें जो एडवर्टाइजमेंट की है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले हम बड़े बड़े टीवी चैनल्स वगैरह पे ऐड देखते थे, अब न्यूज़पेपर्स में एड्स आती हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, आपने किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बड़ी आसानी से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसी विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं अतुल विनोद दुग्गल, डायरेक्टर मैक एंड ABD मोशन पिक्चर फिल्म मेकर। सर, JK न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर, आप हमें ये बताएं कि आप जम्मू में किस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको कि देखकर लगे कि वाकई में जम्मू में भी कुछ क्वालिटी वाइज काम हो रहा है। देखिए, हम लोग एक मैं प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा हूँ जम्मू में, जिसमें हम लोग तरह तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, एड फिल्म्स करते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट फिल्म्स करते हैं, म्यूजिक वीडियोस करते हैं। अभी रिसेंटली हमने बॉम्बे की एक कंपनी के साथ दो फिल्म प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है पिछले ही 2 महीने पहले, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एंड एक अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 20 सितंबर में रिलीज हो रहा है, जिसका कि मैं आई एम द लाइन प्रोड्यूसर ऑफ विनोद चोपड़ा फिल्म्स। तो उसी प्रोडक्शन हाउस के दो प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने पिछले एक साल में किए हैं जम्मू में। जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, आप बहुत सारी एड्स वगैरह बनाते रहते हैं, लाइक जहाँ पे स्कूल्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, होटल्स हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया रहा होगा तब मैं और अब मैं, आप क्या फ़र्क देखते हैं? हम खुद फ़र्क देखते हैं कि अब लोकल मीडिया हमारे चैनल्स हैं उसमें ऐड में बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज फ़र्क पड़ा। बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है, लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर थोड़ी सी बढ़ी है कि उनको भी थोड़ा आइडिया हुआ है कि किस तरह से अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किन प्रोफेशनल्स के साथ काम करना है और किस तरह से काम करना है। आप ना एक फिल्म मेकर हैं बल्कि उसके साथ साथ आप एक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं इस फील्ड में भी, और मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इसी फील्ड में हैं जी। शुरुआती में जब आपने इस फील्ड को चूज़ किया तो आप मुझे किससे प्रेरित हुए, जहाँ आपको क्यों ऐसा लगा कि, क्योंकि बहुत कम लोग फिल्म लाइन की साइड आते हैं कि मुझे यही करना है, और अब आप इसमें आए हो तो आप मतलब कि पूरी तरह आए हो, आधे से ज़्यादा काम आप, क्योंकि जब आप एडिटर खुद हो तो बहुत सारी आप कैमरे की नॉलेज रखते हो जी, फिर आप डायरेक्टर भी हो, फिर आप एक्टर भी हो जी। तो ये जो स्टार्टिंग ये तो अब आप हो, जहाँ आपने किस जहाँ इसके लिए कोई आपने स्पेशल कोर्स किया या फिर किसी को असिस्ट भी किया होगा जी। तो मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शुरुआती जो होता है, बिल्कुल शुरुआती, वो आप कहाँ से प्रेरित हुए थे और किस तरह से आप जहाँ तक पहुँचे हैं? अजीत जी, मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये देखना शुरू किया, आई वॉज इन 10th। तो मैं TV देखता था, तब दूरदर्शन बहुत ज़्यादा चलता था, जहाँ पे जाता था दूरदर्शन ही होता था। तो हम लोग मैं TV देखता था, उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स और ये वो सब चीज़ें चलती थी, प्रोग्राम चलते थे, न्यूज़ थे। तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था कि मैं ये सब चीज़ें होती किस तरह से, तो मेरे को वो जानने में बहुत उत्सुकता रहती थी। तो सडनली मेरे को पता चला कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो मैं गया इंस्टीट्यूट में, मैंने वहाँ पर डेमो क्लासेस ली, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। तो जब मैंने वो डेमो क्लासेस ली तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया। तो डेवलप होने के बाद मैंने वहाँ पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। तो बस ज्वाइन करने के बाद मैं इसी फील्ड के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, एनिमेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो बस वही करते करते फिर मैंने कुछ लोगों को असिस्ट भी किया, फिर मैंने चैनल्स में काम किया। तो अब जा करके मैंने कोई 10 साल पहले अपना एक प्रोडक्शन हाउस जो है मैंने इस्टेब्लिश किया। आप खुद तो इस फील्ड में हैं ही, अभी आपने जम्मू में मैक को लाया, यानी कि माया अकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमेटिक्स जी, इसके बारे में आप बताइए, इसका कितनी देर का कोर्स रहता है, कौन कौन से इसमें कोर्स हैं जी, और किस कितना कितना इसमें टाइमिंग इसकी क्या रहती है? देखिए, माया अकेडमी जो एडवांस सिनेमेटिक्स है, ये इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसमें ये जो है तकरीबन 20 साल पुराना ब्रांड है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस इंस्टीट्यूट से, मतलब मैक इंस्टीट्यूट से पढ़ के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आज की डेट में। और इसमें हमारे पास तकरीबन 35
किस्म के कोर्सेज हैं, 35 कोर्सेज जो हैं हम रन करते हैं इस ब्रांड के अंडर, जिसमें हमारा जो बेसिक्स जो होते हैं, जैसे कि आपको कुछ भी सीखना है तो आपको फोटोशॉप आना चाहिए, फोटोशॉप राइट, उसके बाद इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, ये तो बेसिक सॉफ्टवेयर हो गए। उसके बाद हम एडिटिंग के सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, उसके बाद हम कंपोजिशन कंपोजिटिंग के सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, जो आपके आपके कह सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स जिस तरह से सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद हम उनको FCP सिखाते हैं, जो फाइनल कट प्रो जिसको कहा जाता है, जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है फॉर फिल्म एडिटिंग। उसके बाद हम लोग इसमें विजुअल इफेक्ट्स के सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, जैसे आपके वीरे है, आपका थिंकिंग पार्टिकल्स है, आपका न्यू एज सॉफ्टवेयर हैं, हुडिनी है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इस तरह के जो आपके विजुअल इफेक्ट्स में विजुअल इफेक्ट्स बनाने के काम आते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो 3 महीने से लेके 2.5 साल तक के कोर्सेज हैं। जैसे आपने बात की फ़ोटोशॉप की, जी फोटोशॉप की मैं एक आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी जुड़ी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस है मेरा या किसी और का भी कोई भी लाइक आप स्कूल लगा लीजिए, होटल्स, आज मैं जैसे मैं बात कर रहा था एडवर्टाइजमेंट की, जी तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई बैनर बनाना है या अपने डिजिटल एड बनानी है तो हम किसी को फ़ोन करते हैं ग्राफिक के लिए, यार ये मुझे बना दो, फिर पसंद नहीं आएगी, फिर जाएंगे या उसके पास जाके बैठना पड़ेगा। तो फोटोशॉप आज की पढ़ी लिखी जनरेशन आपको पता आधे से ज़्यादा वैसे ही फोटोशॉप सभी को आती है, बिल्कुल, अब इसमें है जो टेक्निकली पूरी तरह से आधा और डालना है जी, चाहे वो किसी का ऑफिस है कुछ भी है, तो आपको उन लोगों के लिए भी आपके पास है कि जैसे वो कोई आके थोड़ा बहुत आपके पास सीखे, उससे क्या है, देखिए सर कि एक तो अगर मुझे आधा काम आता तो मुझे आपका काम पसंद नहीं आता है जी, मैं बोलता हूँ यार ये कलर ऐसा होना चाहिए था, तो मैं अगर आपके पास कोई भी जैसे आपके पास आता है आधा सीखे, वो अपने जैसे बैनर्स हैं, लोगोस वगैरह हैं, ये तो खुद डिज़ाइन करके और आप आराम से अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं जी, जी। दूसरी बड़ी बात इसमें ये कि जैसे आप कह रहे हैं बेसिक्स जो आपकी कोर्स हैं इसमें आते हैं, इसमें एक अडॉप आता है, एक आपने इसका फाइनल कट प्रो की बात की FCP की, तो जैसे आज फोटोग्राफर्स आज की डेट में हमारे एक बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है, तो उनको भी जैसे एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो प्रॉपरली एडिटिंग के लिए जहाँ तो उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है कोर्स करने के लिए, या फिर उनको आता नहीं है, या फिर किसी को पूछ के, तो कोई भी सिखाएगा तो आपको पता है पूरा नहीं सिखाएगा जी, जी। तो उन लोगों के लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत ही मतलब कि बड़ा एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इवन हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट में आप जब 8 साल के हैं या 8वीं में पढ़ते हैं जी जी, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिए कोई एजुकेशन मैटर नहीं करता है, हमारे लिए क्रिएटिव माइंड मैटर करता है, क्रिएटिव माइंड। अब जैसे अगर मैं फोटोग्राफर्स की बात करूँ जो काम करते हैं, उनके लिए तो बेसिक्स फोटोशॉप है, और काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनको पूरा फोटोशॉप आज भी नहीं आता, तो वो आ सकते हैं हमारे साथ, वो एक सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 महीने का ही कोर्स करना। देखिए फोटोशॉप वगैरह भी क्या है कि अपडेट होता रहता है, अपडेशन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, पूरा फोटोशॉप वो हमेशा सेम ही रहता है। देखिए टाइम के साथ तो हमें भी अपडेशन चाहिए ना। जी उसमें बेसिकली जब भी कंपनी कोई चीज़ अपडेट करती है तो उसमें 2-3 टूल्स अपडेट करती है, बेसिक आपके सारे उसी तरह से रहते हैं, और जब हम पढ़ाते हैं हमारे पास जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा हम उसी के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है ना। अब उसमें अगर 2 साल के बाद या साल के बाद या 6 महीने के बाद कोई और उसमें टूल अगर कंपनी उसमें एड ऑन कर देती है तो वो फिर आपको दोबारा पूरा फोटोशॉप दोबारा सीखना पड़ेगा उसके लिए, या तो आप सिर्फ जब आपने एक बार अगर आपने पूरा फोटोशॉप सीख लिया तो उसके बाद आप कोई भी नया टूल आए कुछ भी आए वो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप मैक जैसे आपका यहाँ पे चल रहा है जी, तो कोई भी जैसे बच्चा आपके पास आता है, आप उसने 2.5 साल का कोर्स किया, 2 का किया, 1 का किया, उसके बाद जो तुरंत रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जॉब की जी, जॉब या फिर आप अपना भी कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ये तो हर जगह पे काम आने वाली चीज है। देखिए जी जी, उसके लिए जॉब प्लेसमेंट को लेकर भी उसमें क्या है कि एक तो मैक से आप जब पढ़ेंगे तो जॉब प्लेसमेंट्स तो हमारे पास है ही, हमारा एक बैकएंड सेल है जो जॉब प्लेसमेंट सेल है वो हमारे को डेली बेसिस पे हमारे को जॉब्स भेजता है कि इन इन कंपनीज में इन इन सॉफ्टवेयर्स के लिए इस क्राइटेरिया पे जॉब्स निकले। अब जैसे हमारे पास अगर किसी ने सिर्फ फोटोशॉप ही सीखा है, अब हमारे पास फोटोशॉप की जॉब जब आएगी तभी हम उसको ऑफर कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर कोई आता है कि जी उनको VFX के लिए चाहिए है कैंडिडेट, तो वो हम उसको VFX का कैंडिडेट देते हैं।
जैसे एनिमेशन वगैरह कुछ भी वो हमारे पास डेली बेसिस पे जो है वो अपडेट होती हैं, तो हम डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है, टैलेंट भी है और उसने क्या कोर्स किया है। अब मैं फोटोशॉप वाले को VFX की जॉब नहीं दिलवा सकता, नहीं दिलवा सकता। एडिटिंग वाले को मैं फोटोशॉप की जॉब नहीं दिलवा सकता क्योंकि उसने सिर्फ एडिटिंग सीखी है। आपने रास्ता देना है, ये रास्ता आगे जा रहा है, आगे इंटरव्यू वगैरह कंपनी तो उसको पास करके ही नहीं, बिल्कुल हमारा फोकस रहता है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करना, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए तैयार करना। जब वो एक बार इंटरव्यू के लिए कंपनी में चला गया, उसके बाद बच्चे का लक है, बच्चे का टैलेंट है कि वो कैसे उस इंटरव्यू को पास करता है और कैसे उस इंटरव्यू में कैसे उस जॉब को हासिल करता है। अतुल जी, जो भी यंग लड़के लड़कियां हमारे समाज में हैं, आप मैक की ओर से और अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? देखिए, मैक की ओर से मैं अपनी ओर से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पूरी यूथ को कि अपने ड्रीम फॉलो कीजिए। और मैक ही नहीं, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है और जब से डिजिटल मीडिया का और डिजिटल ऑनलाइन का टाइम दौर शुरू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है टेक्नीशियंस की, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है क्रिएटिव लोगों की। तो जितने ज़्यादा क्रिएटिव लोग इसमें आएंगे उतना ज़्यादा उनको बेनिफिट है, इस इंडस्ट्री को बेनिफिट है क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है इस वक्त, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को चाहिए हैं, अच्छे क्रिएटिव लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही आना है, आपको किसी भी और इंडस्ट्री में भी जाना है। अगर आपको मेडिकल इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको 3D Max माया जैसे सॉफ्टवेयर आने चाहिए जिसमें आप एनिमेशन करते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंपनी कोई भी मॉडल ऐसे अप्रूव नहीं करती, उनको प्रॉपर एक पहले प्रोजेक्ट चाहिए होता है, वो 3D Max में बना हो या माया में बना हो। तो वो जब आप उनको बना के पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं तब उनकी कंपनी की R&D टीम जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू करती है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनकी भी गाड़ियों की भी पहले डिजाइनिंग होती है, फिर उसके बाद आपकी आर्किटेक्ट हो गए, सर कोई भी चीज लगा लीजिए, कुछ भी, मतलब आज की डेट में तो हर चीज में डिजाइनिंग चाहिए ही चाहिए, डिजाइनिंग फर्स्ट तो डिजाइनिंग ही है। कोई भी आप ब्रांड शुरू करते हैं तो आपको उसकी प्रमोशन के लिए सबसे पहले उसका लोगो चाहिए, तो वो भी डिजाइनिंग से ही आएगा। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लोगो इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड। उसके बाद जो हमारी जैसे कोई भी छोटी से छोटी चीज है उसकी एडवर्टाइजमेंट है, वो भी डिजिटल है, बिल्कुल। तो आगे भी आने वाला टाइम तो है ही, खैर डिजिटल ही है सारा। अतुल जी, आपने हमारे साथ बहुत सारी जानकारियाँ जो शेयर की जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी अगर इंटरेस्ट है फोटोशॉप में है या एडिटिंग में है तो आप मैक में आ सकते हैं, जो शनी में है, J&K ग्रामीण बैंक की बिल्डिंग में है, लास्ट 3rd फ्लोर। कैमरा पर्सन बलवान सिंह और विशाल मेहता के साथ मैं जगदीश सिंह अजीत, JK News Network जम्मू।